में अंतर क्या है? कोरोना वायरस और फ्लू में अंतर ये होता है, कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनमें एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, नंबर टू उसमें कॉफ होता है, ड्राई कॉफ होता है, और तीसरा उसमें कॉमन कोल्ड होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। इन्फ्लुएंजा में केवल माइल्ड ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है और कॉमन कोल्ड होता है। डॉक्टर, आंखों का गुलाबी होना, क्या वो भी कोई लक्षण है कोरोना वायरस का? बिल्कुल, आंखों का गुलाबी होना भी एक लक्षण है, क्योंकि ये कोई भी वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होती है, जो आँख में इन्फेक्शन करती है, वो कोरोना की वजह से हो, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो या बैक्टीरियल हो, सब में आँख लाल हो जाती है। डॉक्टर, आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो 80% जो मामले आ रहे हैं, अब उनका यही कहना है, वो जो मरीज है उनका यही कहना है कि हमको कोई लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी हम इस कोरोना के संक्रमित हो गए। उसमें रीज़न ये है कि 90% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं कोरोना के, तो इसलिए उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसीलिए ये डेंजरस डिजीज़ है कि ये कब कम्युनिकेट हो जाए पता नहीं लगता किसी को। तो डॉक्टर, हम सामने वालों कैसे पहचान सकते हैं कि नहीं, हमें इससे? आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि वो पेशेंट कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट है कि नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। जी, इसीलिए उसमें तो ये है कि आप बिना जांच कराए आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है कि नहीं है। और डॉक्टर, इसीलिए जो लोग पहले से बीमार हैं घर में, कुछ लोग बीमार होते हैं पहले से, तो वो किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? नहीं, वो इस तरह की सावधानी बरत सकते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, या जिनमें इम्यूनिटी लो है, क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, वो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो अंडरलाइंग डिजीज़ेज हैं उनकी, एक तो वो कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए, डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़, क्रॉनिक अस्थमेटिक हैं तो अस्थमा, एम्फाइसीमेटस हैं तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो सब चीज़ें उनकी ट्रीट होनी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ फिर वो प्रिकॉशन रखें, अपने हैंड वॉश रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का घर में भी पालन करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, देहरादून से हैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, सवाल पूछे, नाम बताएं, सवाल पूछे। हाँ, मैडम, एक तो मुझे एसिड बहुत बनता है, रात को यदि खाना खाता हूँ ना, दो रोटी भी खाऊंगा तब भी बहुत ज्यादा एसिड बनेगा, रोज को रात को 2-2.5 बजे के लगभग ना इतना एसिड बनेगा, खट्टी बता रहे आएंगी कि बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, तो इस बेसिकली आपको ये गैस्ट्राइटिस होती है, जो एसिडिटी जिसको कहते हैं लेमेन लैंग्वेज में, और आप एक काम करिए, पेंटोप आईटी आती है, एक खाली पेट सुबह खाइए और एक शाम को खाना खाने के बाद खाइए, ये 15 दिन तक खाइए तो आपकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी। जी, अगर आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, डॉक्टर अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, जिस तरीके से जो बुजुर्ग पहले से बीमार हैं तो उनसे हम दूरी बनाकर रखें या फिर हम उनको अलग के रूम में रखा जाए उन लोगों को? नहीं, उनको अलग रूम में रखा जाए और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और ऐसा नहीं उनको इग्नोर किया जाए, उनकी सारी केयर किया जाए, खुद भी ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें, हैंड वॉश रखें और उनकी पूरी केयर करें, ऐसा नहीं है उनको अकेले छोड़ दिया जाए। जिस तरह स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे दूरी ही बनाना ही जरूरी है, वो इसलिए है कि ये इन सबकी इम्यूनिटी लो होती है, 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो, और जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्योंकि उनमें बच्चे को भी न्यूट्रिशन मदर से ही जाता है, तो इसलिए उनको जरूरी है कि वो अपने प्रिकॉशन लेके रहें। तो डॉक्टर, जो लोग इनकी इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो विटामिन सी की टेबलेट लें, विटामिन डी लें, और फ्रूट्स लें, जितने भी स्पाइसी फ्रूट्स हैं वो लें, जैसे संतरा है, सेब है, अनानास है, ये लें, और थोड़ा सा योगा करें या एक्सरसाइज करें। खाने में क्या खा सकते? और खाने में बाकी सब चीज़ खाएं, जितना भी सलाद अच्छा सा खाएं, दाल खाएं, है ना, ये क्योंकि इनमें सब में प्रोटीन होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। डॉक्टर, अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, कोई जानकारी मिल पाई कब तक तैयार हो सके? और मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, मीरा है आगरा से, मीरा जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैं
मीरा जी, सवाल इतना स्पष्ट करिए। हाँ, मेरा सवाल है ये पेट की चर्बी जो है इसे कैसे कम किया जाए? पेट की चर्बी खत्म करने के लिए एक तो डाइटिंग करिए, दूसरा थोड़ा एक्सरसाइज करिए और लाइफस्टाइल चेंज करिए, तभी ये हो सकती है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो केवल ऑपरेशन का होता है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए कोशिश यही करिए नेचुरल उससे हो जाए। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है कोरोना वायरस की, तो कब तक तैयार हो सकती है? नहीं, इसकी वैक्सीन काफ़ी जल्दी ही आने वाली है जी, और चांसेस हैं कि विद इन 6 मंथ ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में कई लैब्स हैं जो कि अब ह्यूमन ट्रायल्स कर रही हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी। डॉक्टर, जब लोग मार्केट जा रहे हैं तो देखा जाता है कि मार्केट में जो भी सब्जी बेचते हैं तो उनके अंदर भी कोरोना वायरस पाया जा रहा है, तो उस तरह की जो सावधानियां हम लोग कैसे बरत सकते हैं बाहर जाने को लेकर? उसमें इसीलिए ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार जो सब्जी है उसमें उसके थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है। और तो एक दूसरा, जो सब्जी खरीदने एकदम लोग जा रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और सब्जी जब ले जा रहे हैं तो सबसे पहले घर में जो आप हैंडल है उसको सैनिटाइज करिए, घर में सब्जी को धोइए, फिर उसको अच्छे से उबालिए जब बनाएं तो फिर हैंड वॉश करिए, तो ये सब चीज़ें करेंगे, प्रिकॉशन आप लेंगे तो बचे रहेंगे। और अभी वो इंडिविजुअल काम कि सब्जी के थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है, थोड़ा सा हम इसको जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, कोरोना वायरस किसी भी सरफेस पर इसके ड्रॉपलेट्स के रूप में ये जमा हो सकते हैं इसके वायरस जी, और वो जब आप सब्जी को छुएंगे, पकड़ेंगे या उसको छीलेंगे तो वो नेचुरल है कि यदि उस पर सरफेस पर वायरस जमा होगा तो वो आपके हैंड्स में चला जाएगा, और हैंड से फिर आपके नेजल रूट के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू या ईयर रूट के थ्रू ये अंदर जा सकता है। इसके लिए क्या सावधानी? और इसके लिए वही सावधानियाँ बरतनी है जो आजकल बताई जा रही हैं, हैंड वॉश करिए बार बार, सब्जी को धोइए ले जा रहे हैं अंदर तो, और जो यदि आपने दरवाजे पर हैंडल लगे हैं तो उसको सैनिटाइज करिए, शूज हमेशा बाहर उतारिए और सब्जी को अच्छे से धोइए और खूब उबाल के खाइए तो ही आप बचे। आपने कहा कि सब्जी को वॉश करना है तो उसको हम मतलब नॉर्मल पानी में वॉश करें या फिर उसके लिए कोई साबुन का यूज करें? नहीं नहीं, साबुन का यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल रनिंग वाटर में बढ़िया से भी उसे वॉश कर सकते हैं। हाँ, गर्म पानी में वॉश कर सकते हैं, साबुन आबुन से या डिटर्जेंट से आप साफ नहीं करें। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बलोत रावत जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। बलोत जी, सवाल पूछिए अपना। अरे हमारे हमें बलोत जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए। अच्छा अच्छा जी, बलोत जी सवाल पूछे। अरे ऐसा है सर, हमारे पूरे परिवार में सर्दी जुकाम है, जान नहीं रहा, करीब 1 महीना हो गया है। हेलो जी। अच्छा, अगर उनके फैमिली में किसी को सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत परेशान है जी, सबको सर्दी जुकाम हो गया है, एक महीने से हो रहा है, तो आप एक बार करिए कि कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव करा लीजिए, क्योंकि सबको है एक साथ, तो ये नेचुरल है कि एक दूसरे से ही हुआ है जी, वो भी एक महीने से हो एक महीने से हो रहा है, तो उसको अब आप एक कोरोना टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, ये जो वायरस होता है वो सरफेस पर कितने टाइमिंग तक रहता है, इसका क्या टाइमिंग होती है, कितनी अवधि तक रहता है ये वायरस? ये कोई भी वायरस है वो सरफेस पर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है जी। और 3 दिन तक उसको आप यदि प्रिकॉशन ले लेंगे तो फिर वो डाइड मर जाता है जी। डॉक्टर, ये जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन मेडिसिन आई है और मलेरिया की मेडिसिन है, तो ये क्या, ये जो वायरस हो रहा है कोरोना वायरस का, तो इसमें कोई सही साबित हो रही है? नहीं, अभी तक कोई भी मेडिसिन प्रूव्ड नहीं है जी, है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट है, कितनी सफल साबित हो रही है हाइड्रोक्लोरोक्वीन और मेडिसिन। ये है कि क्योंकि पहले भी हम लोग जो मलेरिया का वायरस है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं कॉमनली, तो इसीलिए ये सोचा गया कि ये अन्य दूसरे वायरस में भी थोड़ा इसकी इफेक्टिविटी रही, लेकिन कई पेशेंट्स इससे ठीक हुए हैं, इसीलिए ये दी जा रही है।
हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनीष हैं हापुड़ से। मनीष जी सवाल पूछिए अपना। मनीष जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, सवाल फिर से पूछिए। मनीष जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। तो डॉक्टर जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है और इसके लिए भी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। देखिए कोरोना वायरस को आप कहें कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, हमको इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी और ये धीरे 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 रेजिस्टेंस पैदा होता जाएगा, इम्यूनिटी बनती जाएगी और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप सोचें कि ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमको साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल इसके साथ रहना ही पड़ेगा। इसीलिए हमको ये प्रिकॉशन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मास्क लगा के रखें और जो भी कॉमन प्लेस है वहाँ स्पिटिंग ना करें और हैंड वॉश करें हर बार। तो ये प्रिकॉशन आप लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल बचे रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शुभम है लखनऊ से। शुभम जी सवाल पूछिए। जी मैं ये कह रहा हूँ, जी मुझे पेट की समस्या रहती है, मोशन नहीं होता, वही पूछना था। आप एक काम करिए, आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये सब बोल की भूसी का डिब्बा ले आइए एक, और रात को गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के रोज पीजिए, आपको हो जाएगा मोशन। तो कॉलर को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमित हैं फरुखाबाद से। अमित जी सवाल पूछिए। मैडम मैं इसमें कोरोना वायरस में सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी कर रहा हूँ, फील्ड में जाता हूँ, जब घर से वापस आता हूँ तो दोबारा नहाता हूँ, उसके बाद मेरी नाक बंद हो जाती है। नहीं वो कोरोना की वजह से नहीं होती है, है ना, ये कोरोना वॉरियर्स हैं तो हाँ। ये बाहर फील्ड में जाते हैं उसके बाद फिर से नहाते हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है। नहीं वो आपकी नाक इसीलिए बंद हो जाती है कि थोड़ा स्पाज्म होता है नहाने से, कई लोगों को एलर्जी टाइप की, तो इसलिए वो कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप आराम से काम करिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र जुड़ गए हैं कलकत्ता से। राजेंद्र जी सवाल पूछिए। बोल रहे मैडम मेरा पाँव का तलवा थोड़ा हो रहा है। राजन जी पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। बोल रहे थे मेरा पाँव का तलवा थोड़ा दर्द कर रहा है, फूल गया, दर्द कर रहा है, कल कौन सा दवा यूज करे पाँव का नीचे? हाँ टैबलेट इवियन आती है उसको फोड़ के और पैर में लगाइए 15 दिन तक। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे हेल्थ को लेकर यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।
देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, गीता है देहरादून से। गीता जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, हेलो। हाँ नमस्ते, बोलो। नमस्ते, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होता है, बेड से उठ के ना बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हाँ, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रोलैप्स डिस्क हो गई है, जो बीच में डिस्क होती है ना दो हड्डियों के बीच में, स्पाइन में, तो उसमें डिस्क प्रोलैप्स हो गया है। थोड़े दिन आप थोड़ा सा इसमें दवाई खाइए, फ्लेक्सोन MR आती है वो दवाई खाइए, और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करिए और सिकाई करिए, इसी से ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है आशा है पंजाब से। आशा जी सवाल पूछिए। आशा जी सवाल पूछिए। हमारा संपर्क टूट गया है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं फिर से, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, अब देखा जा रहा है कि जानवरों में भी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो जिनके यहाँ पर जो लोग जानवर पालते हैं तो वो किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं? वो उनको यही है कि एक तो जो भी आपके पास जानवर है या पेट एनिमल हैं तो उनको वॉश करिए साबुन से, है ना, उनको नहलाइए धुलाइए, उनको बाहर मत जाने दीजिए, और जब भी उनको आप टच करें तो अपने हैंड वॉश करिए, तो क्योंकि वो उसमें जाने में आप ही से जा रहा है उसमें जी। इसी तरह से उसको रोक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है उसका। डॉक्टर, ये जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मनोज हैं, रायसीन मध्य प्रदेश से हैं। मनोज जी सवाल पूछिए। मनोज जी सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना डॉक्टर के इलाज कराए कितने दिन जिंदा रह सकता है, ये सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, वो पूरा पूरा जीवन जी सकता है, क्योंकि 90% में इसमें कोई अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसमें कोई दवाई की, किसी डॉक्टर की, किसी की जरूरत नहीं है, पता भी नहीं लगता है। केवल 10% लोगों में जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, इसलिए आप परेशान हो। तो डॉक्टर, जिस तरीके से हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, शुभम है रायसेन मध्य प्रदेश से। शुभम जी सवाल पूछिए अपना। शुभम जी सवाल पूछिए। हेलो जी, शुभम जी पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। मैडम मेरा आवाज है ना सर रुक रुक के आता है। हेलो। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, सवाल पूरा करें अपना। जी 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 मैडम, मेरी आवाज है ना रुक रुक के आती है, थोड़ा मतलब खिलाना आता है मेरा मुंह से बोलने में। वो तो ये है कि बचपन से ही होता है, क्योंकि इनकोऑर्डिनेशन रहता है ना तुम्हारे लैरिंग्स और जबान की मसल्स का, इसीलिए वो इनकोऑर्डिनेशन की वजह से वो हकलाहट होती है आपको, तो ये तो अब पैदाइशी प्रॉब्लम है आपकी, तो ये तो ठीक किया जा सकता प्रैक्टिस से ही जाएगी। प्रैक्टिस आपको बचपन में ही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए थी इसकी, तो वो ठीक हो जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो पेपर ही पढ़ा करें जोर जोर से, जितना वो स्पीड में पेपर पढ़ेंगे और शायद उससे। हाँ, और कई बार क्या होता है कि जवान नीचे जो जुड़ी रहती है वो ज़्यादा उसका एरिया जुड़ा रहता है, तो वो बचपन में ही पता लग जाए तो उसको थोड़ा सा सर्जरी करके ठीक कर देते हैं। डॉक्टर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है इंडिया में, तो क्या ऐसे कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है? नहीं, टेम्परेचर से खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर से उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी वायरस की, जो वायरस की इफेक्टिविटी है
वो लो डाउन हो जाएगी। तो डॉक्टर अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ है दिल्ली से। सौरभ जी सवाल पूछिए। हेलो जी सौरभ जी सवाल पूछे। मैम मैं ये जानना चाह रहा था जी, इसमें ये जो कोरोना के जो लक्षण हैं वो प्राइमरी क्या क्या है? नहीं, कोरोना का मच्छर नहीं होता कोई भी, है ना? कोरोना के जो लक्षण हैं, हाँ लक्षण, तो उसके बारे में थोड़ा लक्षण तो एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, दूसरा इसमें ड्राई कॉफ होता है, खांसी होती है सूखी, और थोड़ा सा कॉमन कोल्ड होता है, और बॉडी एक होता है, बाकी छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, यही इसके सिम्टम्स हैं जी। डॉक्टर जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो जाती है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रमेश है राजस्थान से। रमेश जी सवाल पूछिए। सर मेरा एक निवेदन है कि मैं पहले अपने लॉकडाउन से पहले तो 8-10 किलोमीटर अपनी मॉर्निंग वॉक करता था, लेकिन अब ये संभव नहीं है, तो अब इसके दूसरा ये है, एक दो सवाल मेरा पूरा सुनने के बाद, कि अब ये संभव नहीं है, दूसरा घर भी छोटा है, छत पर भी नहीं घूम सकते, तो ऐसे हिसाब में मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा एक और चीज है मेरे सामने, कि कैसे पता करें कि इम्यूनिटी मेरी अच्छी है, क्या सेवन करें इम्यूनिटी अच्छी हो? और मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, उम्र भी 70 के पार है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक और है लास्ट सवाल, लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या छत पर घूमने पर भी अपने को मास्क लगाना जरूरी है? तब भी छत पर मेरे साथ और कोई नहीं घूमता है। नहीं, छत पर आप अकेले घूमते हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आप घूम नहीं पा रहे हैं, तो वो साइकिल आती है आजकल घर में रखने वाली, तो आप साइकिल ले लीजिए और उसको आधा घंटे चलाइए, तो आपकी 10 किलोमीटर घर भी तो छोटा है ना, साइकिल जितना है नहीं, तो फिर आप घर में घूमते रहिए, जितना छत पे है छत पे घूम लीजिए, है ना? और बाहर सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएं, जब पब्लिक नहीं रहती है रोड पे कभी भी, तो तब घूम लें, वो तो कुछ आपको समय अपना ही सेट करना पड़ेगा इसका। तीसरा, आप जूसी जितने फ्रूट हैं, सेब हैं, अनार है, अनन्नास है, संतरे हैं, ये सब खाएं, और शुगर अपनी कंट्रोल करें जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सावित्री है चंडीगढ़ से। सावित्री जी सवाल पूछिए। मैं ना थोड़ा हार्ट पेशेंट हूँ, मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ, 2 महीने से बच्ची हूँ, और 2-3 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि नींद आए लेकिन आती नहीं है। हार्ट की वजह से मैंने थोड़ा सा वो रामदेव गिलोरी की गोली खा ली सुबह, और मेरे को नींद नहीं आ रही। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो आप हाँ, तो एक नाइट्रेजी पाम की टेबलेट आती है वो किसी, लेकिन कोई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी नहीं आपको, तो किसी से लिखवा लें और ले लें, और एक रात को खा लें और 2-3 दिन खा लें, नींद आ जाएगी आप। डॉक्टर किसी की भी कोरोना वायरस से मौत हो जाती है तो क्या उसकी डेड बॉडी से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? हाँ बिल्कुल फैल सकता है, इसीलिए उसका एक प्रोटोकॉल है जी, उसके क्रीमेशन का, क्योंकि उसकी सरफेस पर कोरोना वायरस मौजूद रह सकते हैं, तो आप जो भी जब भी टच करेंगे उसको करेंगे तो वो बिल्कुल फैल सकता है, इसीलिए उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको अलग ले जाके ही एकदम क्रीमेशन उसका करते हैं प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके जी। डॉक्टर ये जो मास्क की बात करें, तो क्या मास्क पहनना घर में भी उतना ही जरूरी जितना हम बाहर पहन कर निकलते हैं? नहीं, घर में यदि सब लोग कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है और सब लोग अंदर हैं, लॉकडाउन में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर में पहन के रहें, लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकलें आप मास्क ज़रूर लगाएं। तो डॉक्टर घर में कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा दूर दूर बैठें और तो क्या है, बाकी घर में जब हेल्दी हैं सारे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यदि बीमार है तो फिर सारे प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी, मास्क भी लगाना पड़ेगा, हैंड वॉश भी बार बार करने पड़ेंगे, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा घर को जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भानु है लखनऊ से। भानु जी सवाल पूछिए। एक्चुअली हमारी बेटी के दाहिने तरफ कमर के पास कुछ दिन से दर्द हो रहा है जी। हाँ तो मस्कुलर स्पाज्म है, आप थोड़ा फ्लेक्सोन MR मसल रिलैक्सेंट टेबलेट आती है
वो ले लीजिए दिन में 3 बार, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जिस तरीके से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, आशा है पंजाब से। आशा जी सवाल पूछिए। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इस टाइम में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वेजिटेबल्स को लेकर यही प्रिकॉशन लेनी है कि उनको आप वॉश करें ठीक से, और जब आप लाएं उनको तो अपने हैंड वॉश करें, और जो हैंडल जिसको टच करके आप अंदर जाती हैं उसको सैनिटाइज करें, और उसको जब भी बनाएं तो ठीक से उसको उबालें, अच्छे टेम्परेचर पर उसको उबाल लें। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, और सुनने में ये भी आता है कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि जो पेपर पढ़ते हैं वो लोग, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या उसमें कोई वायरस होता है? नहीं, न्यूज़पेपर में इसलिए वायरस नहीं होता कि उनकी मशीनें जो हैं जी वो प्रॉपरली सैनिटाइज हैं, और वो पेपर भी सैनिटाइज करके ही उसमें प्रिंट करते हैं जी। इसीलिए, और जो उनके जितने भी हॉकर्स हैं उनको भी वो भी प्रिकॉशन लेके ही आपके घर तक पहुँचाते हैं, इसलिए अखबार से या प्रिंट मीडिया से उससे कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से हैं तुषार। तुषार जी सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछें। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, सवाल फिर से पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछा। मैम, मैं कह रहा था ये जो लॉकडाउन में खांसी जो है। तुषार जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी, ये लॉकडाउन में ये जो ये खांसी है, किससे कोई पता नहीं तो नहीं है? नहीं, खांसी अकेली खांसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना, खांसी की दवा ले लीजिए और ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, क्या हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनुराग है देहरादून से। अनुराग जी सवाल पूछे। सर, मैं ये जानना चाहता था, मेरी पूरी बॉडी में जैसे मैं उठ के बैठता हूँ या हाथ पर मोड़ता हूँ तो हड्डियों में से कड़कड़ाहट की आवाज आती है। कितनी उम्र है आपकी? सर, 39। 39 तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, थोड़े से जो वो हड्डियों की नहीं होती है, वो जो जॉइंट में टेंडन होते हैं, लिगामेंट जो होते हैं वो चटकते हैं, तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल फिनोमेना है। डॉक्टर, क्या अभी तक कोई COVID-19 का कोई टीका, दवा या फिर कोई उपचार है? अभी तक कोई उपचार नहीं है, कोई टीका नहीं है, इसीलिए हमको प्रिकॉशन लेने हैं जी। तो इसकी रोकथाम के लिए जो भारत सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, क्या ये कितना सफल साबित हो सकता है और कितना सही है ये? लॉकडाउन से जो उसका एम था वो आपको गेन हो गया है जी। अब ये है कि हम सारी जो पब्लिक है, सोसाइटी है, उसको अपना अपना ध्यान रखना है, उसी से कोरोना वायरस को मैनेज हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनिल हैं कानपुर से। अनिल जी सवाल पूछे। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या चिकन और अंडा और मटन खाने से कोरोना वायरस फैल सकता है या उसके कैसे खाएं से थोड़ा बताएं? नहीं, बस अपना हाइजीन का ध्यान रखें, बाकी उससे कुछ नहीं फैल सकता, आप खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर, अगर कोई युवक है, कोई इंसान है, किसी से कोरोना वायरस में आ भी जाता है, वो ठीक हो जाता है फिर, तो क्या वो दोबारा उसकी चपेट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये है कि एक बार उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके एंटीबॉडीज डेवलप बॉडी में हो जाते हैं, तो दोबारा हो भी जाएगा तो उसको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो एक तरह की वैक्सीन हो जाती है उसके लिए। तो कॉलर बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, अब देखा जा रहा है कि भारत में इसका जो आंकड़ा है वो 40,000 के पार हो चुका है, कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, तो इसको लेकर जिस तरीके सरकार जो पूरी कोशिश कर रही है, इतने हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिए गए हैं, इतने इलाज किए जा रहे हैं, लोगों मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर भी करते हैं, तो ये आंकड़ा आखिर बढ़ता ही क्यों जा रहा है? नहीं, आंकड़ा तो इसलिए कि हम लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, इतने लोग अभी तो आप जितनी जितनी उसके इन्वेस्टिगेशन होते जाएंगे उतने उतने लोग आते जाएंगे, ये तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले दिन से ये कह दें कि कुछ बहुत कम लोग हैं हम लोग,
क्योंकि जितने लोगों को हो गया है वो तो सब जिनके टेस्ट करते जाएंगे उनको सेपरेट करते जाएंगे, तो इसलिए आंकड़ा तो और भी बढ़ सकता है। लेकिन हम लोगों को अब ये नहीं कर सकते कि हमेशा देश को बंद कर सकते हुए, क्योंकि दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। फिर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, राम है जोधपुर से। राम जी सवाल पूछे। जी सवाल पूछिए। राम जी आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है, फिर से सवाल पूछे। हेलो जी राम जी सवाल पूछिए। सर दर्द हो रहा है, गर्दन क्यों आ रही है, दुख रही है, फिर कैसे? सर दर्द हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? डिस्प्रिन की गोली लेके पानी में घोल के पी लीजिए। डॉक्टर जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है लगातार फैलता भी जा रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, इसके लिए और क्या कुछ हम सावधानी बरत सकते हैं? सावधानियां जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है इसके लिए नेशनल लेवल गाइडलाइंस, आप बस हर सिटीजन्स का यही काम है कि उसको फॉलो करते जाएं और ये फिर खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर, क्या हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं लाल कुआ से, सवाल पूछिए। लगता है हमारा सबक टूट गया है। डॉक्टर, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या इसका इलाज करने में कोई कारगर साबित हो सकती है? नहीं, कोई साबित नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक का काम ये है कि कई बार इम्यूनिटी लो होती है, कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो जी, उसके लिए एंटीबायोटिक देना जरूरी है। डॉक्टर, क्या एसी चलाना इस वक्त ठीक है? जिस तरीके से बातें आती है कि एसी बस चलाई क्योंकि एसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि भी हुई है, जिस तरीके से देखा जा रहा है। नहीं, टेम्परेचर बेसिकली एसी की वजह से जो टेम्परेचर लो हो जाता है जी, वो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को, इसलिए वो इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है। डॉक्टर, जिन लोगों के अंदर एक काफ़ी डर बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, हल्की सर्दी जुकाम भी हो जाए तो वो उसको कोरोना वायरस लेके समझने बैठ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए यही है कि एक तो मन से डर निकालें। हर सर्दी जुकाम कोरोना वायरस नहीं है, 90% सर्दी जुकाम कोरोना वायरस नहीं है, इसीलिए बिल्कुल डर निकाल दीजिए। क्योंकि हम भी देख रहे हैं रूटीन प्रैक्टिस में कि लोगों में भय बहुत है, तो इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं कानपुर से, जेएम तिवारी। जेएम तिवारी जी सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार, खाना खाने में दर्द होता है, पूरा मुंह नहीं खुलता, जबकि अब आप कोई इस तरीके का नशा तराई के का पान तमाम कोई चीज का वो नहीं है शौक। आप एक काम करिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 3 बार मुंह में पानी भर के और उससे कुल्ला करिए, इससे आपके जो मसूड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, गीता है देहरादून से। गीता जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, अभी कॉल किया था हमने थोड़ी देर पहले ना, तो सर ने बताया था कि कमर की सिकाई करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है वो नहीं पूछा हमने। बोतल आती है या इंफ्रारेड एक वो आता है ना, इक्विपमेंट आता है, उससे दोनों में से किसी से भी कर लीजिए। डॉक्टर, क्या नॉन वेज में कोरोना वायरस पाया जाता है? नॉन वेज में यदि वो बिल्कुल रोटन है तो उनमें पाया जाएगा, लेकिन यदि वो साफ सुथरा है और हाइजीनिक है तो उसमें नहीं पाया जाता। ठीक, अगर डॉक्टर हम बात करें जो खुला हुआ दूध आता है, जो दूध वाले दूध लेकर आते हैं, तो क्या वो लेना सही है या फिर पैकेट वाला ही दूध यूज़ करें? नहीं, वो लेना भी ठीक है और पैकेट वाला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दूध को तो आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबालना ही होता है, तो उतने डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी वायरस बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता। डॉक्टर, जिस तरीके से इजराइल से भी एक ये खबर आई थी कि वहाँ पर इसका जो वायरस का जो टीका है वो तैयार हो चुका है, क्या ये सही है? नहीं, टीका तो कई जगह तैयार हो गया है, फ्रांस में हो गया है, ब्रिटेन में हो गया है, अमेरिका में हो गया है, चाइनीज़ में, चीन में हो गया है, फ्रांस में हो गया है, लेकिन वो ट्रायल फेज़ में है सब, अभी वो प्रूव्ड फेज़ में नहीं है। ट्रायल फेज़ एक बार ख़त्म हो जाएगी फिर उसका एनालिसिस होगा और फिर उसको यूज़ करेंगे ह्यूमन बींग। डॉक्टर, कोई उम्मीद इसके बारे से खत्म होने की? बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये दो साल में, 3 साल में खत्म हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, महेश है राजस्थान से। महेश जी सवाल पूछे।
हेलो जी, सवाल पूछिए महेश जी। मैडम मेरे गले में छाले हो गए थे और दर्द हो रहा था लेफ्ट राइट साइड में गर्दन में। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा ग्लिसरीन लेके उसको लगाइए वहाँ पे, या घी लगा लीजिए, और दूसरा बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट ले लीजिए, कोवाडेक्स फोर्ट आती है वो ले लीजिए आप। डॉक्टर, अब ये जो बारिश हो रही है, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, क्या ये इस कोरोना वायरस को बढ़ावा दे रही है? ये इससे कोरोना वायरस बढ़ सकता है क्या? कोरोना वायरस इसलिए बढ़ सकता है कि ये कई बार टेम्परेचर बहुत कम कर देती है, तो इसीलिए उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और बाकी ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, न बढ़ावा देने के में ऐसा कोई रोल है। और हवा के थ्रू थोड़ा सा बैक्टीरिया, लेकिन वायरस ड्रॉपलेट हैं, थोड़े से उड़ के जा सकते हैं ये। तो इसके लिए लोग क्या और सावधानियां बरतें हैं कि जिस तरीके से जो आंधी तूफान है, अब देखा जा रहा है कि आ रही है, बारिश भी हो रही है। हाँ, तो कोशिश ये करें अपने घरों में ही रहें अंदर। ठीक, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। शहर फातिमा जुड़ चुकी है हमारे साथ लखनऊ से। फातिमा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते डॉक्टर अरुण सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी लिमिटेड समय वक्त क्या है कि ये कब खत्म होगा, इसकी क्या उम्मीद रखी जा सकती है, क्या आसार है, ये कब तक ये खत्म हो पाएगा? देखिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आप इसको टाइम बाउंड नहीं बांध सकते, क्योंकि ये तो धीरे धीरे ह्यूमन से ह्यूमन में कम्युनिकेट होता है, इसीलिए आप इसको तभी रुकेगा, ये टाइम लेगा, ये एक दो साल लेगा अभी। इसके साथ जीने की आदत डालिए और प्रोटोकॉल ओबे करिए, जो गाइडलाइंस हैं नेशनल गाइडलाइंस उनको ओबे करिए कम से कम एक दो साल तक। डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उदय हैं बिहार से। उदय जी सवाल पूछिए। जी सर, हेलो जी, सवाल पूछे हैं उदय जी, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा पैर में दर्द और जलन रहता है। एक टैबलेट ले लीजिए, इवियोन का कैप्सूल आता है, उसको फोड़ के पैरों में लगाइए, विटामिन डी लीजिए और वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या COVID-19 का मतलब मौत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 90% में तो कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल, आप पता ही नहीं लगा सकते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो इसलिए बिल्कुल डरने का काम नहीं है। और जो 1-2% मॉर्टेलिटी है, वो भी बुजुर्ग लोगों में है, जो 70 ईयर्स 80 ईयर्स और ऑलरेडी जो डिजीज्ड हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज के जो पेशेंट हैं, उन्हीं में ये लीथल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी कोई मेडिकल टीम जब किसी का चेकअप करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर लोग मना कर देते हैं, आखिर इस डर की वजह क्या है? वो तो प्रशासनिक डर है उनमें, उनमें ये लगता है कि अभी कुछ कर देंगे तो हमको 14 दिन कहीं रख देंगे या कुछ और आइसोलेशन में कर देंगे या कुछ, तो ये भय है, इस डर को तो प्रशासन ही निकाल पाएगा। अक्सर देखा जा रहा है कि जो मेडिकल टीम है या फिर पुलिस टीम है, उन पथराव किए जाते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, आप मेडिकल टीम पर बिल्कुल पथराव मत करिए, क्योंकि वो उनका कोई दोष नहीं है इसमें, वो तो केवल आपकी मदद के लिए आए हुए हैं, वो कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, वो कोई न कभी मारने वाले हैं, कुछ नहीं, वो केवल आपकी मदद करने आए हैं, और जो आपकी मदद करने आए हैं उसको आप क्यों मारेंगे? जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मसूद उलहद हैं बिहार से। उलहद जी सवाल पूछिए। जी, वो हमारा एक भतीजा है 30 साल का, उसको पीछे गर्दन में दर्द होता है। जी, उसी उसमें कौन सी दवा ली जा सकती है, पूछना लगा। तो उसके लिए उनसे कहिए कि आइबुजेसिक प्लस ले लें, आइबुजेसिक प्लस 3 दिन तक। एक बार नाम फिर से स्पष्ट कर दीजिए, आइबुजेसिक प्लस। जी, तो मसूद जी आपने नाम नोट कर लिया, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण शर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में आए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन 3 का भी स्टार्टिंग हो चुकी है 4 मई से, तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।